अवैध शराब तस्करी ने जिले में पुलिस अधिकारी की जान ली। नागभेड़ में पुलिस उप निरीक्षक छत्रपति किसान राव चिड़े को शराब तस्करों ने वाहन से टक्कर मारा, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। नागभेड़ से एक बहुत बुरी खबर आई है। महाराष्ट्र पुलिस के एक वफादार अधिकारी को अवैध शराब तस्करों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिनकी बाद में मौत हो गई। विस्तारपूर्वक घटना की ये जानकारी है कि नागभेड़ पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक छत्रपति चिड़े अपने सहकारी पीएसआई मलकापुरे, एसआई बोधे, खरकाटे, संजय कोवे, सुनील गेड़े आदि के साथ पुलिस वाहन के साथ मोशी गए। ढोरपा मार्ग से अवैध शराब तस्करी करने वाले तस्करों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से चिड़े को टक्कर मार दी तथा मौके से फरार हो गए। चिड़े को गंभीर हालत में ब्रह्मपुरी के अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस संबंध में ब्रह्मपुरी से हमारे संवाददाता गोवर्धन दोनाटकर ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जैसे ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी को इसकी जानकारी मिली, वो ब्रह्मपुरी के अस्पताल पहुंचे तथा उन्होंने कड़े शब्दों में चिड़े के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा ऐसा कहा। चिड़े ने वफादारी निभाते हुए अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया और पीछे शोकाकुल परिवार छोड़कर चले गए, जिसमें पत्नी, दो मासूम बच्चों का समावेश है तथा परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। इस मार्मिक दुस्साहसी घटना से अवैध शराब तस्करों पर कितनी कड़ी कार्रवाई पुलिस विभाग और करता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। ब्रह्मपुरी से हमारे संवाददाता गोवर्धन दोनाटकर की रिपोर्ट। अभी अभी हमारे पास जानकारी आई है कि जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि शहीद पुलिस उप निरीक्षक चिड़े के बेटे को अनुकंपा धारक के तहत नौकरी देने के आदेश पुलिस विभाग को दिया गया है तथा मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि के तहत सहायता दी जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है।